नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, डेली एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग विज्ञान के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को देखेंगे, जिससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। इन्हें आप अच्छे से समझें, साथ ही इसे तैयार करके समय समय पर रिवीजन करते रहें। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स। हमारा पहला टॉपिक है लेंस। लेंस दो प्रकार के लेंस, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस। अब समझते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस को कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे। देखिए, उत्तल लेंस में सतह जो है उभरी हुई है। सतह कैसी है? उभरी हुई है। वहीं अवतल लेंस में सतह क्या है? धसी हुई है। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरी। उत्तल लेंस की सतह उभरी हुई होती है, जबकि अवतल लेंस की सतह धसी हुई होती है। इस बात को आप ध्यान रखें। एक और बात, उत्तल लेंस सारी किरणों को एक जगह कर देता है, मिला देता है, सारी किरणों को एक जगह मिला देता है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है? सारी किरणों को एक जगह मिला देता है, और इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। वहीं अवतल लेंस सारी किरणों को फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। हम लोगों ने दो चीज सीखा, उत्तल लेंस उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल, उसे उभरा। वहीं अवतल लेंस धसा होता है। उत्तल लेंस सारी किरणों को एक जगह समेट लेता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रश्न बनता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को ध्यान में रखें। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, और क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सारी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। वहीं अवतल लेंस सारी किरणों को फैला देता है, और इसे अपसारी कहते हैं। अब देखते हैं उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस से वाउ प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है? वाउ। वाउ का मतलब वास्तविक और उल्टा। आप याद रखें, उत्तल लेंस उभरा हुआ होता है, उत्तल लेंस सारी किरणों को एक जगह कर लेता है, उत्तल लेंस से वाउ मतलब वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वहीं अवतल लेंस को देखते हैं, तो अवतल लेंस से आसी एवं कासी प्रतिबिंब बनता है, अर्थात अवतल लेंस से आभासी और सीधा या काल्पनिक व सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप इन बातों को जरूर से ध्यान में रखें। अवतल लेंस से आसी मतलब आभासी और सीधा, अर्थात या कासी काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में खाली जो सतह होती है वह उभरी हुई होती है। उत्तल दर्पण की खाली सतह उभरी हुई होती है, जबकि अवतल दर्पण में खाली सतह धसी होती है। आप यहां देखें, उत्तल दर्पण में खाली सतह उभरी हुई है, जबकि अवतल दर्पण में खाली सतह धसी हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तल दर्पण अपसारी होता है, जबकि अवतल दर्पण अभिसारी होता है।
लेंस के जस्ट उल्टा। साइड मिरर अर्थात पार्श्व दर्पण में उत्तल दर्पण होता है, यह कई दफा पूछा जा चुका है। वहीं रेड लाइट, सॉरी रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट इत्यादि में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जबकि गाड़ी की हेडलाइट, कान, नाक, डॉक्टर इत्यादि में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हम लोगों ने देखा साइड मिरर, पार्श्व दर्पण तथा रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण होता है, जबकि सोलर लाइट, हेडलाइट, कान, नाक, डॉक्टर इत्यादि में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं लेंस, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को देखते हैं, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस होता है। कौन सा लेंस आवर्धक लेंस होता है? उत्तल लेंस। घड़ी साज मतलब घड़ी को ठीक करने वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। आप लोगों ने देखा होगा अपनी आंखों में जो लगा के घड़ी वाले जो घड़ी को ठीक करते हैं वो लगा के रखते हैं, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। वहीं सूक्ष्मदर्शी दूरबीन में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है एवं दूरदृष्टि के उपचार में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि के उपचार में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। घड़ी साज किस लेंस का प्रयोग करता है? उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। अब देखते हैं अवतल लेंस को, निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है एवं पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। कई दफा यह प्रश्न पूछा जा चुका है। निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर होता है? अवतल। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है? अवतल। एक और खास बात, लेंस में हमेशा अपवर्तन की क्रिया होती है जबकि दर्पण में हमेशा परावर्तन की क्रिया होती है। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है लेंस में कौन सी क्रिया होती है। अब देखते हैं दृष्टि दोष, आंख का निकट दृष्टि 25 सेंटीमीटर होता है जबकि दूरदृष्टि अनंत होता है। अगला देखते हैं, मानव नेत्र आंख में उत्तल लेंस होता है, यह भी कई दफा पूछ लिया गया है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है तथा मानव नेत्र की रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें याद रखने वाली कोई खास बात नहीं है क्योंकि हमें पता है उत्तल लेंस से वाउ अर्थात वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब देखते हैं दृष्टि दोष को, जिसमें कि पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। इसमें है, इसे इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। मायोपिया को आप समझ सकते हैं मेरे पिया, अर्थात मेरे पिया जब निकट होंगे तो मुझे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। आप इसे ध्यान से समझें, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। और मायोपिया को समझने के लिए हम लोग समझते हैं मेरे पिया, अर्थात मेरे पिया जब मेरे निकट होंगे तो मुझे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती और इस दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। मतलब निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। अगला दोष देखते हैं दूर दृष्टि दोष, इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इसमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मेरे पिया, यदि मेरे पिया हाइपर हों तो मैं उनके पास नहीं दिखाई दूंगा।
अर्थात दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, वहीं इस लेंस को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। अगला देखते हैं, जरा दृष्टि दोष, इसे प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। इस बीमारी में दूर तथा पास दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यह दोष सामान्यतः बुढ़ापे में होती है। इसमें एक ही चश्मे में उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊपर की तरफ अवतल लेंस, वहीं नीचे की तरफ उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे द्विफोकसी लेंस भी कहते हैं। जरा दृष्टि दोष में दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दृष्टि वैषम्य। इस बीमारी में ऊर्ध्वाधर खड़ी वस्तु दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोकसी लेंस। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। वहीं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। तो दोस्तों, ये था हमारा साइंस में पार्ट 1। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। अगले पार्ट में हम लोग मानव नेत्र एवं उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानेंगे। धन्यवाद।